दमक के हिंडोरिया में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। शारदीय नवरात्रि के चलते महाआरती का आयोजन हुआ, इसी बीच पत्थर फेंके गए। पुलिस को मामले की जानकारी दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों के द्वारा युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले किया गया। कई लोगों को गंभीर चोटें थीं, लेकिन पुलिस ने पत्थर फेंकने वाले जो युवक थे उन्हें रात में ही छोड़ दिया। इस बात से काफ़ी नाराजगी देखी जा रही है। वहीं दुर्गोत्सव समिति के जो अध्यक्ष हैं उन्हें भी नोटिस थमा दिए गए हैं, जिसके बाद काफ़ी ये चर्चा का विषय भी है। साथ ही संपूर्ण नगर को बंद करने की बात कही जा रही है। हिंडोरिया नगर में इस तरह के कार्य हो रहे हैं, जिससे स्थानीय लोगों में खासी नाराजगी देखी जा रही है, आक्रोश देखा जा रहा है। आज बड़ी संख्या में हिंडोरिया के लोग दमोह पहुंचे। दमोह पुलिस अधीक्षक से मिलकर थाना प्रभारी की शिकायत दर्ज कराई। उनके द्वारा कहा गया कि जो कुछ भी हिंडोरिया में चल रहा है वह ठीक नहीं। इसके पहले मंडल अध्यक्ष भी शिकायत दर्ज करा। जिले में जो दुर्गा उत्सव समिति है किसी को नोटिस नहीं, सिर्फ हिंडोरिया में क्यों दिया गया है? और इसका हम लोग विरोध करेंगे सब मिलकर। आप लोग सब सहमत हो? हाथ उठाओ सब। जय माता दी। तो ऐसा क्या हुआ जो केवल वहाँ भाई? वहाँ सब कुछ नोटिस थमा दिए गए, समिति की जानकारी जमानत कर जिम्मेदार लोगों को नोटिस थमाए गए। भैया क्यों आए थे, क्या हुआ है यहाँ? कल हम सभी समितियों के जो अध्यक्ष हैं, जो गांव के जिम्मेदार लोग हैं, जो समितियों को संभाल रहे हैं, दुर्गा जी के समितियों के रख रहे हैं, उन्हीं जिम्मेदार व्यक्तियों को शासन के द्वारा नोटिस दिए गए हैं और जमानत करवाने के लिए उनको बोला गया है कि आप तो जमानत करवाएं। आगे चल के कौन जिम्मेदारी लेगा, कौन समितियां बनाएगा, कौन दुर्गा जी रखा है? किस बात का नोटिस, किस बात की जमानत? कोई बात नहीं है, कोई ना कोई विवाद है, कोई ना कोई विवाद है, ना कुछ है, फिर भी नोटिस, फिर भी नोटिस जबरदस्ती नोटिस विरुद्ध एक भी आपराधिक प्रकरण नहीं है। आपराधिक तो छोड़िए, उनके खिलाफ तो सिविल प्रकरण भी दर्ज है, उनको दे दिए। और एक चीज है, दुर्गा समिति का अध्यक्ष जिसको बनाया जाता है वो वैसे ही समाज का प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है, समाज का सज्जन व्यक्ति होता है, उसको ही नोटिस थमा दिए। आप जब हमारे समिति के अध्यक्ष को ही नोटिस थमा दोगे तो व्यवस्थाएं तो बिगड़ेंगी। किसने ये नोटिस दिया? ये तहसीलदार महोदय के द्वारा हिंडोरिया थाना प्रभारी ने जारी किए हैं। तो इस प्रकार से समाज के जो लोग हैं, हिंडोरिया के जो लोग हैं, सभी में आक्रोश है। और इस प्रकार के नोटिस का अगर 12 घंटे के अंदर अगर समाधान नहीं होता तो हम सभी नगरवासी कल हिंडोरिया बंद करने की हिंडोरिया बंद करेंगे, जिसका जिम्मेदार पूरा प्रशासन करेगा। ऐसा नोटिस मिलना चाहिए। धारा 126, 135, 170 के अंतर्गत तहसीलदार महोदय ने ये नोटिस जारी किए, जो TI महोदय द्वारा सबको पावती करवाई गई। जो हमने मेरे ग्राम के जो समिति के अध्यक्ष हैं सब सम्मानी परिवारों के, और अगर ये नोटिस जैसा कि अभी अधिवक्ता महोदय ने बताया और सबने बताया समय पूर्व वापस नहीं होते हैं 10 से 12 घंटे में, तो हिंडोरिया भी बंद रहेगा और विसर्जन फिर सरकारी कर शासन करवा देगा। बहुत अच्छे, बिल्कुल हम लोग विसर्जन नहीं करवाएंगे, सरकार कन्या भोज करवाए, SP कलेक्टर आए हवन करें, हम लोग पूरी व्यवस्था करते हैं, सब लोग मिलते जुलते सब करते हैं, हिंदू मुस्लिम भाई एक रहते हैं, और ये लोग पूरी जबरदस्ती की नौटंकी कर रहे हैं, ये नहीं चल पाए। हिंडोरिया के लोगों में जिस तरह से आक्रोश है, हिंडोरिया बंद करने की जो बात हो रही है उस मामले को लेकर हमने दमोह पुलिस अधीक्षक सुतकीर्ति सोमवंशी से चर्चा की। हिंडोरिया में दरअसल जैसा कि हर त्योहार के पहले हम लोग करते हैं कि जो न्यूसेंस करने वाले लोग होते हैं, जो शांति को भंग करने वाले लोग होते हैं या आतंक अपराधी होते हैं, उनका हम लोग बाउंडओवर करते हैं कि त्यौहार में कहीं कोई उनकी वजह से शांति व्यवस्था जो है वो ख़राब ना हो। इसी संदर्भ में लोकल वहाँ पर जो अधिकारी हैं उन्होंने जितने भी दुर्गा पंडाल लगे हैं उनकी समितियों के जो अध्यक्ष हैं उनको नोटिस सर्व किया है इस संबंध में कि वो अपनी तरफ से ये चीज़ क्लियर करें कि उनकी तरफ से कोई शांति व्यवस्था में कोई व्यवधान नहीं पैदा किया जाएगा, उसको भंग नहीं किया जाएगा। उनका पक्ष सुनने के लिए उनको मैंने यहाँ बुलाया था, उनसे मेरी बात हुई अभी। उनका ये कहना है कि हमने ऑलरेडी एक घोषणा पत्र थाने के द्वारा दिए गए घोषणा पत्र पर साइन किया हुआ है और इसमें से किसी भी व्यक्ति का कोई ऐसा आपराधिक रिकॉर्ड भी नहीं है, ना ही किसी प्रकार की कोई हिस्ट्री है कि वो वहाँ पर कोई विवाद उत्पन्न करे। तो मेरी कलेक्टर साहब से भी बात हुई है, हम इस संबंध में चर्चा कर रहे हैं।
कि अगर उनको उन्होंने घोषणा पत्र ऑलरेडी साइन कर लिया है तो उनको बाउंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है और वो लिखित में भी देने को ये बात तैयार है अलग से भी। तो उनके पक्ष को सुनने के बाद हमने डिसाइड किया है कि उनको नोटिस जो है हमने जो दिए हैं उनको हम फाइल कर देंगे और वो ऑलरेडी एक घोषणा पत्र साइन कर चुके हैं तो उस पर कार्रवाई की जा सकती है। इन केस अगर कोई गलती होती है कहीं से तो वो पर्याप्त है। नहीं, उनसे मेरी बात हो गई अभी तो वो इस चीज़ को लेकर संतुष्ट हैं। मैंने उनको बोला कि वो अपने त्यौहार पर ध्यान दें, ये इस विषय में अभी मेरे कट साहब से चर्चा भी हो गई है और अभी ऐसा कोई मुद्दा नहीं है, उनसे कोई भी नोटिस जो है उसका जवाब नहीं मांगा जा रहा है ना ही उनको बाउंड ओवर किया जा रहा है। और मैंने एडिशनल एसपी को भी बोला है, वो जाकर वहाँ पर जितने भी समिति के लोग हैं उनसे आज शाम को चर्चा करेंगे और मुझे लगता है कि हम इसको शांतिपूर्वक करवा लेंगे। बहरहाल देखने लायक होगा इस संपूर्ण मामले में प्रशासन के द्वारा क्या कदम उठाए जाते हैं ताकि आक्रोश को शांत कराया जा सके और शांतिपूर्ण तरीके से देवी विसर्जन कार्यक्रम दशहरा चल समारोह संपन्न हो सके। यार इस साल मैंने बहुत शॉपिंग की है लेकिन दिवाली है तो थोड़ी और शॉपिंग तो करनी पड़ेगी ना। एंड एज ऑलवेज बजाज फिनसर्व का इजी EMI काम आएगा। सोच रही हूँ 2-व्हीलर कुमुद सेल्ज तमो से लेती हूँ, वहाँ काफी अच्छे ऑफर्स चल रहे हैं। माँ को मत बताना प्लीज, वरना उनका फिर से शुरू हो जाएगा कि बेटा ये EMI VMI अच्छा नहीं होता। एक्चुअली मैंने उन्हें बताया नहीं ना कि EMI पे लेके जो पैसे बचे वो मैंने सेविंग्स में डाल दिए। स्मार्ट था, सेविंग्स भी हो गई और शॉपिंग भी हो गई, तो देर किस बात की, चले शॉपिंग। और हाँ, बजाज फिनसर्व, कुमुद सेल्स और मेरी तरफ से आप सबको हैप्पी दिवाली।